फ्रेंड्स आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेस पेयर रूल्स। हमें एक्सप्लेन करना है बेस पेयर रूल्स। स्टूडेंट, बेस पेयर रूल क्या कहता है? बेस पेयर रूल्स के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है? जो बेस पेयर रूल हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसी बेस पेयर रूल के साथ हमें एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस को दोहराना पड़ेगा। जैसा कि बेस पेयर रूल के अंदर बताया जाता है, अलवेज प्यूरिंस पेयर्स विथ पिरिमिडेंस, प्यूरिंस पेयर्स विथ पिरिमिडेंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्यूरिंस पेयर्स विथ पिरिमिडेंस। प्यूरिंस के अंदर हमें पता चलता है दो डिफरेंट टाइप के बेस है। जैसा कि फर्स्ट बेस है जिसे हम कहते हैं एडेनाइन, उसके बाद इसी के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट एडेनाइन, और नेक्स्ट है गोनाइन। ठीक है, पिरिमिडिन्स के अंदर प्रेजेंट है साइटोसिन एंड थायमिन। इसी तरह से मीन्स दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इनटू द प्यूरिंस एंड पिरिमिडिन्स। हमारे रूल्स के अंदर क्या बताया? रूल्स के अंदर बताया प्यूरिंस अलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडिन्स, यानी कि प्यूरिंस की पेयरिंग पिरिमिडिन्स के साथ होती है, और जो पेयरिंग्स प्यूरिंस की पिरिमिडिन्स के साथ होती है तो उसी के अंदर प्रेजेंट रहे बॉन्ड्स क्या रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड्स यहाँ पर है स्टूडेंट वो कुछ अलग तरीके से है। हम यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हमें यहाँ पर दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। कितने स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं? दो। एक स्ट्रैंड है जिसे हम कहेंगे 5' to 3' स्ट्रैंड कहेंगे, और जो अनदर स्ट्रैंड है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे 3' to 5'। ठीक है, इसी तरह से दो डिफरेंट स्टैंड है, क्योंकि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स इनके डीएनए के बारे में। तो रूल्स के अनुसार हम बताते हैं प्यूरिंस पेयर्स विथ पिरिमिडिन्स। स्टूडेंट, प्यूरिंस यानी कि एडेनाइन, उसके बाद इन्हीं का पेयर्स रहता है, एडेनाइन का पेयर्स रहता है थायमिन के साथ। प्यूरिंस पेयर्स विथ पिरिमिडिन्स यानी कि एडेनाइन प्यूरिन से है और थायमिन पिरिमिडिन से। उसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे ATGC इस तरह से। अब यहाँ पर थायमिन्स यानी कि पिरिमिडिन्स पेयर्स विथ अगेन प्यूरिन्स, उसके बाद गोनाइन पेयर्स विथ साइटोसिन यानी कि प्यूरिन्स पेयर्स विथ पिरिमिडिन्स, और अगेन पिरिमिडिन्स पेयर्स विथ प्यूरिन्स। इसी तरह से हमें यहाँ पर पेयरिंग दिखती है स्टूडेंट। जो पेयरिंग है बेस पेयर की, उन्हीं के अंदर ए बॉन्ड्स विथ टी, यहाँ पर हमें दो बॉन्ड दिखाई देते हैं, और दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, प्यूरिंस का पिरिमिडिन्स के साथ पेयरिंग्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगेन पिरिमिडिन्स बॉन्ड्स विथ प्यूरिन, और यहाँ पर गोनाइन्स की जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट वो है साइटोसिन के साथ, और जो गोनाइन साइटोसिन के साथ बॉन्ड होता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। कितने हैं? 3। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तो 2 ही है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। उसके बाद अगेन जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वन इज द 3 थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द 3 डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि हमें पता चलता है प्यूरिंस के बॉन्डिंग पिरिमिडिन्स के साथ है तो उसे हम बेस पेयर रूल कहते हैं। जो नाइट्रोजन बेसिस है उन्हीं की बॉन्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट्रोजन बेसिस के अंदर प्यूरिंस, जिसे के अंदर एडेनाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडेनाइन बॉन्ड्स विथ थायमिन, तो एडेनाइन प्यूरिंस है और थायमिन तो पिरिमिडिन्स है, इसे बेस पेयर रूल कहा जाता है। उसके बाद हम सेकंड एक रूल एक्सप्लेन करते हैं जिसे हम चारगप्स रूल कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? चारगप्स। एक्चुअली चारगप्स रूल क्या है? चारगप्स रूल हमें देखना है। चारगप्स रूल स्टूडेंट, चारगप्स रूल्स के अंदर क्या बताया? चारगप्स रूल्स के अंदर डिफरेंट 3 सेंटेंस हमें देखना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस हम यहां लिखते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही संबंधित है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ही चारगप्स रूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं रहेगा तो चारगप्स रूल
वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या बताया, हमें फर्स्ट यहाँ पर बताया चार गप्स रूल के अंदर ए एंड टी आर इक्वल, ए एंड टी आर इक्वल, दोनों इक्वल है, यानी कि प्यूरिंस एंड पिरिमिडिंस आर इक्वल। उसके बाद हम और बताते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस, जी एंड सी आर इक्वल, ओ भी इक्वल है, ठीक है, जी एंड सी आल्सो इक्वल, ए एंड टी आल्सो इक्वल, मीन्स यहाँ पर प्यूरिंस एंड पिरिमिडिंस आर इक्वल है, दोनों भी इक्वल है। ये हमें बेस पेयर रूल के बेसिस पर चार गप्स रूल पता चलता है। चार गप्स रूल के अंदर हमें पता है प्यूरिंस एंड पिरिमिडिंस तो दोनों ही इक्वल है, यानी कि ए एंड टी आर इक्वल, जी एंड सी आर इक्वल। ये दोनों हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ मेंटेन किए जाते हैं और कहाँ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे डबल स्टैंडर्ड देने के बाद। उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सपोज हम क्या करते हैं ए अपॉन टी इज इक्वल टू वन, उसके बाद जी अपॉन सी इज इक्वल टू वन। हम ए की वैल्यू, अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं कितने ए है और कितने टी, यानी कि थायमिन प्रेजेंट है, उसी की तरह से हम यहाँ पर बताते हैं। सपोज स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और एडिट करेंगे, यहाँ पर हम और एक बॉन्ड ले सकते हैं जी बॉन्ड विथ सी। यहाँ पर भी हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, कौन सा बॉन्ड दिखाई देता है, ट्रिपल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसी के अंदर हमें तीन बॉन्ड दिखाई दे। थोड़ा एडिट कर रहे हैं हम डायग्राम को, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है बेस पेयर रूल किस तरह से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे फर्स्ट एक और दो, यानी कि ए कितने हैं दो, उसके बाद टी कितने हैं स्टूडेंट एक और एक दो, उसके बाद टी भी कितने हैं दो, यानी कि टू अपॉन टू कितना मिला हमको, एक ही मिला। उसके बाद हम सी और जी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम फर्स्ट क्या करेंगे, जी को काउंट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाउ मेनी जीज आर प्रेजेंट, देर आर थ्री जी प्रेजेंट, कितने हैं स्टूडेंट थ्री, और हाउ मेनी सी आर प्रेजेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देर आर थ्री सी प्रेजेंट, तो थ्री अपॉन थ्री दैट इज द वन, यानी कि हमें पता चलता है प्यूरिंस इज इक्वल टू पिरिमिडिंस, ठीक है, प्यूरिंस भी वन है और पिरिमिडिंस भी यहाँ पर वन है। इसी तरह से चार गप्स रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एप्लीकेबल होता है। इसी के ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट, अभी प्रॉब्लम्स किस तरह से है देखो, प्रॉब्लम्स एग्जाम के अंदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इसी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसा कि हमें बताया जाता है इन गिवन डीएनए मॉडल, जो डीएनए मॉडल हमें दिया है, इन गिवन डीएनए मॉडल हैज ए इज इक्वल टू 20%, ए इज इक्वल टू 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सी, सी का परसेंटेज क्या है, अगर एडेनाइन 20% रहेगा तो साइटोसिन का परसेंटेज क्या रहेगा, ये हमें वहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर बताना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं स्टूडेंट, सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दिए वाला है बताओ, सॉल्यूशन के अंदर क्या दिए वाला है, सॉल्यूशन के अंदर तो हमें ए ही दिया ना, और ए का परसेंटेज कितना है 20%, और हमारा रूल क्या कहता है ए इज इक्वल टू टू, अगर a इज इक्वल टू टी है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट a 20% है तो t also 20%, अगर 100% के अंदर से 40% निकाला जाएगा तो 60% बचेगा, और जो 60% है वो तो c इज इक्वल टू g है, यानी कि इसे हम डिवाइड करते हैं 60/2, यानी कि हमें मिलता है 30%। यहाँ पर पता चलता है c also 30% और रिमेनिंग g also 30%। हमें क्या पूछा है, हमें तो पूछा है ओनली सी, फिर यहाँ पर पता चलता है सी 30%। तो इसी तरह से आसान क्वेश्चन एक हमारे एग्जाम में रहता है स्टूडेंट, ये हो गया चार गप्स रूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप्स के डीएनए स्टूडेंट बेसिकली डीएनए का जो क्लासिफिकेशन चलता है वो चलता है उन्हीं के डिफरेंट कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, कुछ आइडियाज़ के ऊपर, और जो आइडियाज़ जो क्राइटेरियाज़ है वो हमें यहाँ पर अब फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि हमें आज देखना है टाइप्स ऑफ डीएनए, और जब हम टाइप्स ऑफ डीएनए एक्सप्लेन करते हैं उसी को डिस्कस करते हैं तो टाइप्स ऑफ डीएनए को हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो पॉइंट है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए,
टाइप्स ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर देखो जो डीएनए के टाइप्स हम देख रहे हैं उसी डीएनए के टाइप्स के अंदर हमें कुछ क्राइटेरिया यूज़ करना है, यानी कि जो टाइप्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए। स्टूडेंट क्यों कहेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न दिए वाला है। क्या रीज़न दिए वाला है, हम तो सीधा डीएनए को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसी रीज़न के बेसिस पर हम डीएनए के टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे कि फंक्शन के बेसिस पर हमें डीएनए को क्लासिफाई करना है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पर हमें डीएनए को क्लासिफाई करना है। स्टूडेंट फंक्शंस के बेसिस पर हम जब डीएनए को क्लासिफाई करते हैं तो डीएनए के कुछ टाइप्स हमें दिखाई देते हैं, जैसा कि देर आर टू डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स है स्टूडेंट, दो डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फर्स्ट जो है उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक डीएनए, और जो अनदर है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक डीएनए मीन्स दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए, और इसी डीएनए को हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक डीएनए, सेकंड है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डीएनए। स्टूडेंट अभी ट्रॉपिक डीएनए इसी का फंक्शन क्या है, इसे ट्रॉपिक क्यों कहा, जेनेटिक डीएनए इसी का फंक्शन क्या है, इसे जेनेटिक क्यों कहा, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें अभी यहाँ पर मिलने वाला है। जैसा कि जो ट्रॉपिक डीएनए है स्टूडेंट, इसी ट्रॉपिक डीएनए का बेसिक वर्क एक्चुअली क्या है, तो इसी प्रकार के जो डीएनए हैं ये डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट कितना आसान है, मींस सच टाइप्स ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, टोटल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रॉपिक डीएनए। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक डीएनए। उसके बाद जेनेटिक डीएनए एक्चुअली क्या है, अभी इसी डीएनए के बारे में जब हम सोचते हैं, ये जो इन डीएनए है सच टाइप्स ऑफ डीएनए डू नॉट इन्वॉल्व, मीन्स इन्वॉल्व ही नहीं होता है, डू नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बट, अभी यहां पर हमने बट लिखा, बट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखो स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, देखो मीन्स डू नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। हमें पता चलता है ये जो जेनेटिक डीएनए है वो तो इनहेरिटेबल डीएनए है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि वो डीएनए इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन इसी का इन्वॉल्वेशन है कुछ अदर एक्टिविटी के अंदर, जैसा कि टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसके बाद अदर कुछ सेलुलर एक्टिविटी है, वो सभी एक्टिविटी इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पर इनहेरिटेबल एक्टिविटी है और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। अभी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी क्या, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी दिखाई देती है, जैसा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने की भी प्रोसेस है, इसी तरह से डिफरेंट प्रोसेस वहाँ पर हमें दिखाई देती है। अभी इसी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, इसी के लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक आसान, जिसे हम कहते हैं पैरामेसियम। एग्जाम्पल की दो पर हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं पैरामेसियम। पैरामेसियम सुना, एक्चुअली पैरामेसियम क्या है, पैरामेसियम का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। पैरामेसियम के अंदर हमें दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए, कितने, दो, यहां पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं पैरामेसियम का, ठीक है स्टूडेंट। अभी यहाँ देखो जो पैरामेसियम का स्ट्रक्चर है वो कुछ
इस तरह से। सुन, पैरामीसियम के बॉडी के अंदर हमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। एक न्यूक्लियस है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। और जो अदर न्यूक्लियस है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, इसे थोड़ा छोटा बनाएंगे हम, जो इस तरह से, इसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैक्रो न्यूक्लियस। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड टू द पैरामीसियम। पैरामीसियम के अंदर एक कुछ अलग से हमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं जेनेटिक न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? जेनेटिक न्यूक्लियस। और जो मैक्रो है उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक न्यूक्लियस। अभी आपको तो पता चला होगा, क्या पता चला? ट्रॉफिक न्यूक्लियस के अंदर ट्रॉफिक डीएनए, जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक डीएनए। जो ट्रॉफिक डीएनए है वो तो इन्वॉल्व होता है एक ऑल टाइप्स के एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो एक्टिविटीज़ यहाँ हैं उसे तो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इस तरह से हम कुछ इस पैरामीसियम के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, और एक एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं स्टूडेंट, पैरामीसियम के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाले डीएनए के टाइप है उसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो, इसी तरह से हमने इस ट्राइग्राम के बारे में डिस्कस किया और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टाइप्स और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया देख रहे हैं। जैसा कि जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन पर टर्न। एक्चुअली क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट? पर टर्न यानी क्या? एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है हमें पता चलता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो तो कुछ इस तरह से हेलिकल मॉडल है स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो हेलिकल मॉडल है तो इसी की डायग्राम हम जब ड्रा करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ टर्न्स दिखाई देते हैं। और जो टर्न्स दिखाई दे रही है, जो टर्न हमने यहाँ पर निकाला है, जो टर्न यहाँ दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है। और इसी टर्न्स, एक टर्न और अनदर टर्न के अंदर का डिस्टेंस, यानी कि दो डिफरेंट टर्न के अंदर का जो गैप है, तो इसी के अंदर कितने बेस पेयर है? हाउ मेनी बेस पेयर्स? कितने, हाउ मेनी बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर्स है वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पर हम डीएनए को क्लासिफाई करते हैं, हाउ मेनी बेस पेयर, और उसी के बेस पेयर के ऊपर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। लेकिन हमें पता है, हम जब इसी को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्राइटेरिया क्या है? ये जो टर्न है स्टूडेंट, इसी के अंदर कितने बेस पेयर है? क्या कितने मीन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स, यानी कि कितने बेस पेयर्स है, और उसी के बेसिस पर हमें डीएनए को क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई। इसी के बेसिस पर हम डीएनए के जो टाइप्स देखते हैं स्टूडेंट, तो वो कुछ अलग तरीके से टाइप्स है, और वो जो टाइप्स है वो तो हमें वहाँ पर बहुत सारे दिखते हैं। जैसा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए, और उसे हम बताते हैं। जैसा कि टाइप्स नंबर ए टाइप डीएनए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और लास्ट वन दैट इज द छड़। दीज आर द टाइप्स ऑफ डीएनए। क्या है ये? डीएनए के टाइप्स है, कितने हैं? फाइव टाइप्स है स्टूडेंट, कितने हैं? फाइव टाइप्स। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ द डीएनए। और इन्हीं का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया हमने? हमने तो किया है उन्हीं के अंदर कितने बेस पेयर है उसी के बेसिस पर किया। आप सभी को पता है डीएनए के अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं हम उसे, और उसी नाइट्रोजन बेसिस की को हम जब डिटेल से देखते हैं तो हमें पता चलता है उसी के अंदर प्यूरिंस भी है और पिरिमिडिंस भी है। क्या है? प्यूरिंस भी है और पिरिमिडिंस भी है। इन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं एडेनाइन गोनाइन, इन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं साइटोसिन थायमिन इन केस ऑफ द डीएनए। अगर हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे तो टी रिप्लेस विथ यूरियासिल, यानी कि यू।
तो इसी बेस पेयर का प्रेजेंटेशन कितना है और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने, उसी के बेसिस पर हम डीएनए को क्लासिफाई कर दें। तो यहाँ पर हमने फाइव टाइप्स देखे स्टूडेंट। सबसे पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं ए टाइप ऑफ द डीएनए, दूसरा है जिसे हम कहते हैं बी टाइप ऑफ द डीएनए, थर्ड वन दैट इज द सी टाइप्स ऑफ द डीएनए, फोर्थ वन दैट इज द डी टाइप ऑफ डीएनए एंड लास्ट वन इज द छह टाइप्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, कॉलम बनाते हैं स्टूडेंट। हम कॉलम बनाएंगे इस तरह से। कॉलम बनाने के बाद हमें पता चलता है डीएनए का एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो कितना इंटरेस्टेड है स्टूडेंट। इसी के ऊपर में एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टर्न्स और कॉइलिंग। कॉइलिंग को क्या कहते हैं हम, टर्न्स कहते हैं। टर्न्स हमें दो डिफरेंट टाइप में दिखाई देते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम कुछ एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स बनाने के बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर और जो कुछ डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंटरेस्टेड लगने वाला है स्टूडेंट, और इतना आसान है, इसी के ऊपर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़रों से देखना पड़ेगा। और जब हम इसे इम्पोर्टेंट नज़रों से देखते हैं तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट, और पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, इसी तरह से हमने कॉलम बना लिए, क्या बना लिए, कॉलम। और कॉलम बनाने के बाद हम उसी डीएनए के टाइप्स को एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर देखो कितने बेस पेयर से, यहाँ पर ए टाइप्स के डीएनए के अंदर बेस पेयर से स्टूडेंट 11 कितने हैं, 11। बी टाइप के अंदर है 10, सी टाइप के अंदर है 9.33, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये तो बेस पेयर हो गए तीनों के। उसके बाद थर्ड लास्ट वन है जिसके के अंदर है 8, कितने हैं स्टूडेंट, 8। और जो लास्ट है जड़, वो थोड़ा अलग सा है, कुछ अलग से वहाँ पर फीचर्स दिखाता है, अलग से कैरेक्टर दिखाता है, वो यूनिक है स्टूडेंट, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है, इसलिए हम इसे स्टार करते। तो अभी इसे हम जब याद करेंगे तो हमें बहुत आसान जाने वाला है, जैसा कि 11, 10, 9 और 8। 9 यानी कि 9.33 वो आप याद रखेंगे, 10, 11, 10, 9 और 8, इस तरह से। और जब हम झड़ के तरफ बढ़ते हैं तो झड़ के अंदर थोड़ा ज़्यादातर हमें दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हम 12, ठीक है। अभी इसी का क्लॉकिंग हम देखेंगे, क्लॉकिंग यानी कि कॉइलिंग कहते हैं हम उसे, और उसी कॉइलिंग के अंदर हम देखते हैं इनका टर्न किस डायरेक्शन से हो रहा है। अगर उन्हीं का टर्न राइट हैंड हो रहा है तो उसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड हो रहा है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे स्टूडेंट। जो रोटेशन है स्टूडेंट फर्स्ट डीएनए का ए टाइप का, वो राइट हैंड है, कैसा है, राइट हैंड। यहाँ पर बी भी राइट हैंड ही है स्टूडेंट, सी also राइट हैंड, डी also राइट हैंड, और जो लास्ट है छड़ मैंने आपसे कहा था यूनिक है, वो है लेफ्ट हैंड। अब इसे क्या कहना चाहिए, जो राइट हैंड है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट है उसे तो हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह से ए हो गया टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बेस इन पर टर्न्स, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।